स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल APS Infotech पे। दोस्तों मैं अतुल प्रताप लेके आया हूँ आज आपके लिए फिर से एक इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नई वीडियो। जैसे कि दोस्तों मैं पिछले टाइम से भी फैन कैपेसिटर पे वीडियोस बना रहा हूँ, जिससे में एक कमेंट आया है दोस्तों कि क्या हम अपने फैन में डबल कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस फैन में दो कैपेसिटर यूज किए गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि क्या हम हमारे फैन में दो कैपेसिटर यूज कर सकते हैं या नहीं, और अगर दो कैपेसिटर यूज कर सकते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उसके पास आए बेल आइकन को जोर से दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि दोस्तों सवाल है कि क्या हम हमारे सीलिंग फैन में डबल कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सिंपल सा अगर आंसर दूं तो हाँ, हम हमारे फैन में दो कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस कैपेसिटर को यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस है, अगर आप उन कंडीशंस का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका सीलिंग फैन जल जाएगा या यूं कहें उसकी बाइंडिंग खराब हो जाएगी और वो काम नहीं करेगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको वही सारी डिटेल्स बता देता हूं कि किस जगह पर हम दो कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं और किस जगह पर दो कैपेसिटर का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये इलेक्ट्रिकल की जो टर्म्स है उसे ध्यान में रखना होगा कि आखिर वो क्या कहती है। तो अगर बात करें कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल टर्म्स है उसके हिसाब से कि जो फैन की स्पीड है वो डिपेंड करती है वोल्टेज पे। जी हाँ दोस्तों, फैन की स्पीड डिपेंड करती है वोल्टेज पे। अगर वोल्टेज हाई है तो फैन की आरपीएम भी हाई होगी, और अगर वोल्टेज डाउन होगा तो फैन का आरपीएम भी डाउन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वोल्टेज, इसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत है अपने कैपेसिटर के लिए। उसके अलावा दूसरा जो है टर्न, वो अगर जो आप दो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो फैन है वो फैन जाम नहीं होना चाहिए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा बेयरिंग जाम हो जाता है फैन का, और उसकी जो ऑयलिंग और ये सब चीज़ें हैं ठीक से नहीं होती, इस वजह से हमारा फैन जाम रहता और सही से नहीं चलता। उस कंडीशन में अगर आपने दोस्तों क्या किया कि वहाँ पे कैपेसिटर बढ़ा दिया, यानी कि वहाँ पे कैपेसिटर दो यूज किया या उसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए वहाँ से आपकी जो वोल्टेज आ रही है वोल्टेज भी पूरी आ रही है 220 या 230 के आसपास। उसके अलावा आपने कैपेसिटेंस भी बढ़ा दिया उसका, यानी कि उसका जो कैपेसिटर है वो बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा फैन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेने लगेगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेने से क्या होगा कि जो फैन की पावर बढ़ जाएगी और वो जो बाइंडिंग से वो हीट होने लग जाएगी, गर्म होने लग जाएगी, क्योंकि उसको क्या है मूवमेंट होने के लिए जगह तो मिल नहीं रही क्योंकि वो जाम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी बाइंडिंग्स जल जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप डबल कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं या डबल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो उस समय आपका फ़ैन बिल्कुल फ्री मूवमेंट करना चाहिए, बिल्कुल भी जाम वगैरह नहीं होना चाहिए, ऑयलिंग वगैरह अच्छे से होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हम हमारे फ़ैन का कैपेसिटेंस कैसे ज्ञात करें, कि हमारे जो फ़ैन है उसमें ये कितने वोल्टेज कितने MFD का यहाँ पे हम कैपेसिटर यूज करें या कंडेंसर यूज करें। जैसे कि मान लीजिए ये लिस्ट है पूरी आप देख रहे हैं, जैसे कि 220 200 180 और 160 वोल्टेज आ रही है हमारे पास में, तो इनके ऊपर हमें कितने वैल्यू का कैपेसिटर यूज करना है वो बताता हूँ। तो दोस्तों कैपेसिटर यूज करने के लिए हमारे पास सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फॉर्मूला है, इसमें वी इंटू एफिशिएंसी जो हमारा इक्विपमेंट है या जो मोटर है वो इंटू 1000, उसके बटे में वी स्क्वायर इंटू जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है यानी कि 50 हर्ट्ज, तो वो फॉर्मूले में डालेंगे। जैसे कि मैं भी आपको 220 का बता देता हूँ, यहाँ फॉर्मूले में डाला तो उसकी जो वैल्यू आती है 2.31 MFD। तो दोस्तों जो ये वैल्यू है इस फिक्स नहीं है कि आपको 2.31 का ही लगाना है, इसका प्लस माइनस 5% आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कैपेसिटर है उस पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 5% लिखा हुआ आता है, यानी कि वैल्यू से प्लस माइनस 5% आप वेरी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों सवाल आता है कि हमें कितनी वैल्यू पे कितना होगा, कि अब जो ये वैल्यूज देख रहे हैं आप 200 220 और 180, तो इन पे हम कितनी MFD का कैपेसिटर यूज करें। तो इसी फॉर्मूले जो मैंने फॉर्मूला बताया, इस कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैं निकाल के यहाँ पे लगा देता हूँ, उसके अलावा आप कमेंट में चेक करके बताइएगा कि सही है या गलत। तो अब आती है दोस्तों बात यहाँ पे कि हमें जो कैपेसिटर है वो डबल कैपेसिटर कब यूज करना है, जो कि हमारा फैन है
उसमें हमें डबल कैपेसिटर कब यूज करना है। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि लगातार वोल्टेज कम आती है। तो जैसा कि दोस्तों अब जैसा कि मैंने बता दिया अलग अलग वैल्यू पे लिए 200, 220 और 180 या 160 जब आपका वोल्टेज वेरी कर रहा है लगातार तो उस पर आपको कितने माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर यूज करना है। तो जैसे कि अभी हम कहें कि 160 या 180 आ रही है तो उसके हिसाब से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर लीजिए, आपको डबल कैपेसिटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों क्या हो रहा है कि आपके पास में लगातार जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है मैंने वहाँ बताया यहाँ पे ट्रांसफार्मर काफ़ी दूर दूर होता है तो वहाँ से क्या होती है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो आती है। तो लगातार आपका 150 से नीचे आ रहा है वोल्टेज, जो आपकी मेन सप्लाई है वो लगातार 150 या 160 के आसपास आ रही है, मतलब 160 से ऊपर नहीं जा रहा है, 170 175 नहीं आ रहा है, लगातार 160 पे बना हुआ है। तो उस कंडीशन में दोस्तों जो आप यूज करेंगे 2.5 के दो कैपेसिटर आप फैन के लिए यूज में कर सकते हैं, अपने फैन में दो कैपेसिटर लगा सकते हैं। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फैन है बिल्कुल भी जाम नहीं होना चाहिए, उसकी जो वायरिंग्स वगैरह है प्रॉपर काम करनी चाहिए। तो उस जगह पे आप दो कैपेसिटर यूज कर सकते हो क्योंकि जो वहां पे वैल्यू हो जाएगी कैपेसिटर की वो हो जाएगी 4.97 के आसपास हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप 2.5 के दो कैपेसिटर यूज कर सकते हो। अब दोनों को यूज करने का क्या तरीका है कि हम दोनों कैपेसिटर को कैसे यूज करें कि जैसे कि आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे हैं इस फैन में दो कैपेसिटर यूज किए हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि जो दो कैपेसिटर है दोनों कैपेसिटर को इस तरह से आपस में पैरेलल करना है, ठीक है। और उसी के अंदर जो स्टार्टिंग और रनिंग वायर का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रनिंग वायर और स्टार्टिंग वायर फाइंड करके आपको उन दोनों में कनेक्शन करना है और कॉमन वायर से लेकर के कॉमन वायर में और ये अपना जो रनिंग वायर है रनिंग वायर को आप कॉन्स्टेंट रखेंगे स्टार्टिंग वायर में देख के जिस तरफ से आपका फैन प्रॉपर क्लॉकवाइज घूम रहा है उसमें आपको कनेक्शन दे देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी फैन का जैसे आपको पता चला कि हमें दो कैपेसिटर कब यूज करना है जहाँ पे हमारा वोल्टेज लगातार डाउन रह रहा, कितने से डाउन रह रहा, 160 वोल्टेज से डाउन होता है हमारा वोल्टेज हमेशा के लिए परमानेंट रेगुलर कहें कि वहाँ पे 150 या 160 से लगातार डाउन आ रहा है तो आपको वहाँ पे डबल कैपेसिटर यूज करने की आवश्यकता है। उसके अलावा आप डबल कैपेसिटर यूज नहीं करिए वरना आपका फैन जो उसकी बाइंडिंग है वो जल सकती है, खराब हो सकती है। तो दोस्तों ये था उस कमेंट का आंसर कि क्या हम हमारे घर के फैन के जो सीलिंग फैन है उसमें डबल कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ कर सकते हैं, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लोगों को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। एक्चुअली क्या दोस्तों वीडियोस तो देख रहे हैं सभी लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं आप तक आती रहें और इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।